लेकिन अगला सवाल ले लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया पर 51 शेयर्स 3016 के प्राइस पर खरीदा है, यानी इनकी 1.5-2 साल पुरानी खरीद है, जब अपने हायर लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता था। स्टीप लॉसेस में है, क्या करें बैंक ऑफ इंडिया में? एवरेजिंग कर ले अपनी बाइंग कॉस्ट कम करने के लिए, या फिर कोई और स्ट्रेटेजी आप रेकमेंड करेंगे सुमित? देखिए, ये स्टॉक के अंदर 100 रुपए के ऊपर जैसे ये जाना सस्टेन करेगा तो फिर ये स्टॉक का मुझे ऐसा लगता है बॉटम हो जाएगा, जो कि रिसेंटली अभी 80 के आसपास से लगा हुआ है। आई थिंक इसको वेट करें एक बार, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड कर लें, क्योंकि जो मंदी आनी थी, जो वीकनेस आनी थी, वो सब आ चुकी है और ओवरऑल ऐसा कुछ प्रेजेंट लेवल से खराब नहीं दिख रहा कि अब इनको निकलने की मैं सलाह दूं। मेरे ख्याल से ये पोजीशन को होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 100 के ऊपर जैसे सस्टेन करना है ये स्टॉक स्टार्ट कर दे, तब ही अपनी पोजीशन एवरेजिंग करें। जितनी क्वांटिटी इन्होंने ऊपर लेवल्स पे ले रखी है 300 के आसपास, उससे डबल क्वांटिटी 100 के ऊपर जाने पे ले लें। मुझे ऐसा लगता है कि 100 के ऊपर जैसे ये स्टॉक जाना सस्टेन करेगा तो हमको ऊपर में 140-150 तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, बट 100 के ऊपर ही एवरेज करें, फिलहाल एवरेज नहीं करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र से सुनील का सवाल है, वो ले लेते हैं। जुबिलेंट लाइफ पर ये जानना चाहते हैं, 1300 शेयर्स हैं इनके पास और 170 का इनका परचेजिंग प्राइस है, अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हैं और ईयरली लोस के आसपास काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर खरीदारी की हुई है, क्या सलाह देंगे सुमित? आई थिंक स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए, स्टॉक एकदम अच्छे लेवल्स पे भी चल रहा है और स्टॉक यहाँ से और तेजी की उम्मीद लग रही है मुझे ऊपर में। स्टॉक जैसे ही ये 30-40 रुपए यहाँ से और ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा, अभी चल रहा है 408 के आसपास जुबिलेंट, और जैसे ही ये 450 के लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर 500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। आई थिंक इनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो भी प्रॉफिट में ही रहेगा। अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है तो 350 का बेस्ट स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग एसएल लगाने के लिए, वो एसएल लगा के होल्ड करें, इनको और अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है आने वाले समय में। अगला सवाल है राज का मुंबई से, सोनाटा सॉफ्टवेयर पर 50 शेयर्स इनके पास, सोनाटा सॉफ्टवेयर के परचेजिंग प्राइस है 136 का, प्रॉफिट्स में क्योंकि स्टॉक 147 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वॉलेटाइल प्राइस एक्शन रहा है स्टॉक का बीते कुछ मंथ्स में, अभी 138 के लो से इसने वापस रिकवर किया है, क्या ये रिकवरी और स्ट्रेच हो सकती है, पर जो मुनाफा मिल रहा है वो लेकर बाहर आ जाए? देखिए, एक बार शॉर्ट टर्म के लिए अगर इनको रखना है तो एक बार होल्ड कर सकते हैं स्टॉक, शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 168-170 के लेवल्स दिखाएगा, ज्यादा कोई बड़ी तेजी तो लग नहीं रही, बट 10-20 रुपए की तेजी यहाँ से जरूर मिल सकती है। 147 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, 158-160 के लेवल्स इनको देखने को मिल सकते हैं, एक बार पोजीशन को होल्ड करें। अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है तो 140 का स्टॉप लॉस अभी प्रेजेंट लेवल से बेस्ट दिख रहा है, जो कि ट्रेलिंग एसएल रहेगा, इनका प्रॉफिट में एसएल हो जाएगा 140 के एसएल से, ये एक बार पोजीशन को होल्ड करें, ऊपर में 170 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कीजिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में, 170 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट की नतीजों से उम्मीद, और सुमित एक ऐसा स्टॉक लेकर मौजूद हैं जो कि वो इस आधार पर बताएंगे जहां पर अर्निंग्स अच्छी आ सकती है। इनफैक्ट सुमित, अब तक आपने 2 स्टॉक्स बताया, गोवा कार्बन और स्टील स्ट्रिप व्हील्स, और अगर आज की उनकी परफॉर्मेंस देखें तो ये स्टॉक्स आज भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं, यानी जिस लेवल पर आपने बताया था उससे ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं, और साथ ही साथ अगर आप हैं मौजूद तो शेयर आपके बजट को भी नहीं भूल सकते। उस सेगमेंट में आपने विमटा लैब्स की बात की थी और स्टॉक अब 11-12% के गेंस दे रहा है। ये स्टील स्ट्रिप व्हील्स आपकी स्क्रीन पर 1% की मजबूती अभी देखी जा रही है, 350 के लेवल्स के आसपास सुमित ने स्टॉक का जिक्र किया था। गोवा कार्बन, यहां भी मजबूती बनी हुई बीते 2-3 सेशन से, अभी अर्निंग्स आने बाकी है लेकिन अच्छे अर्निंग्स की होप है इन दोनों ही कंपनीज में। विमटा लैब्स को भी देख लेते हैं जिसका जिक्र अभी सुमित ने किया था, ठीक 9:30 बजे शेयर आपके बजट में, और देखिए आप दिन के उच्चतम स्तर पर 12% गेंस लेकर कामकाज कर रहा है। सुमित, अब आपकी रिसर्च के मुताबिक कौन सा स्टॉक आप लेकर आए हैं? शुक्रिया दीपाली, आज जो शेयर आप अच्छे नतीजों के बतौर लेकर आए वो है सुप्रीम पेट्रो का। कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं 20 अप्रैल को, और पिछले तिमाही के अंदर ही जो कंपनी के आंकड़े आए थे उसमें कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर लौटते हुए दिखाई पड़ी थी। इस तिमाही के अंदर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मुनाफे फ्रंट पे करीब करीब 30% की वाई यानी सालाना आधार पर एक ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के करीब करीब 1.5-2% के आसपास इस तिमाही के लिए बढ़ सकते हैं। सिक्वेंशियल आधार पर कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर लौटी तो हो सकता है बेस स्लाइटली बढ़ा हुआ दिखाई पड़े, लेकिन अदरवाइज कंपनी इस तरह से अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को तेजी से रिड्यूस कर रही है। अगर आप पिछले एक साल के आंकड़े उठाकर देखें तो लगातार कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है, और इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस करना गोइंग फॉरवर्ड भी कंपनी के लिए काफी हद तक फेवरेबल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसी आधार पर ही इसको आप देखें कि आगे भी आने वाले समय में हो सकता है बॉटम लाइन जो है फर्दर और ज्यादा इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े। अब ये तो रही कंपनी के नंबर्स की बात, अगर वैल्यू वाइज देखें तो वैल्यूएशन भी काफी साउंड है, करीब करीब 9 रुपए के आसपास की ईपीएस और 13 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। मौजूदा ईपीएस की बात करें कि कंपनी में जिस तरह से नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, जो गोइंग फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड अर्निंग जो फॉरवर्ड ईपीएस जो है उसे बनने थोड़ा समय है, लेकिन मौजूदा वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी साउंड दिखाई पड़ रहा है। जो रिपोर्ट्स को हमने रिफर किया गया है उनमें ज्यादातर सभी रिपोर्ट्स के अपने लक्ष्य अचीव हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल अभी भी इसमें खरीदारी के साथ बरकरार है।
एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। सुप्रीम पेट्रोकेम अब आपको रेकमेंड किया गया है, अर्निंग्स के लिहाज से आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। सुमित, एक कमेंट आपका सुप्रीम पेट्रोकेम पर। देखिए, ये स्टॉक के अंदर बिल्कुल एक बार शॉर्ट टर्म के लिए तो कर सकते हैं इनिशिएट। यहाँ पे 120 के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है और इस स्टॉक के अंदर एक बार यहाँ से तेजी देखने को मिल भी सकती है। मेरे ख्याल से एक बार बिल्कुल लॉन्ग रिकमेंड किया जा सकता है स्टॉक के अंदर। अगला सवाल ले लेते हैं और सवाल है रुद्रेश भगत का, मुंबई से कास्टिक टेक्नोलॉजीज पर। 2500 क्वांटिटी है इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 14.60 रुपए का। एक बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की सुमित इन्होंने स्टॉक में, लेकिन इनके परचेजिंग प्राइस से और नीचे आ चुका है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इसको ट्रिपल डिजिट से भी होल्ड किए हुए हैं, क्या करना चाहिए अब इन्हें? निकलने की सलाह रहेगी, स्टॉक में कोई भी दम नहीं है, स्टॉक एकदम वीक है, खराब स्टॉक है। मुझे नहीं लगता है स्टॉक के अंदर कोई बड़ा रिटर्न, बड़ा पोटेंशियल है। इट्स बेटर टू मूव आउट ऑफ दिस स्टॉक, इससे बेटर तो कोई दूसरे स्टॉक्स में अगर पैसा डालेंगे तो वहां बढ़ भी जाएगा, इसके अंदर बढ़ने के चांसेस नहीं लग रहे मुझे। ऑल राइट, अगला सवाल ले लेते हैं उत्तर प्रदेश से। सचिन का सवाल है हिंडालको पर, 200 शेयर्स हैं इनके पास, 88.15 का इनका परचेजिंग प्राइस है, जिसके आसपास अभी ट्रेड हो भी रहा है। सुमित, क्या सलाह होगी आपकी? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मेटल्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक तेजी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन से तो बिल्कुल एक पुल बैक और एक रिकवरी का सीन लग रहा है। मंदी जो चल रही थी पिछले एक डेढ़ साल से, दो साल से, वो अब लग रहा है मेटल्स के अंदर मंदी अब खत्म हो गई है। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट का टाइम आया और यहां से फिर तेजी स्टार्ट होगी। बड़ी तेजी का लिए भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एक बार शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से यहां से पुल बैक और रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है। फिलहाल हिंडालको के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी, ऊपर में इमीडिएट 97-98 के टारगेट, और अगर 100 का लेवल ब्रेक करता है तो शायद 10 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है धीरज सिंह का, पटना से, वन लाइफ कैपिटल पर, 1000 क्वांटिटी इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 40.5 का, स्टॉक 29.9 पर ट्रेड कर रहा है, यानी काफी लॉसेस में है ये से। और हमने देखा भी है बीते 4 मंथ्स में प्रिसाइसली दिसंबर ऑनवर्ड्स लगातार प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में हावी है, अभी क्या करना चाहिए इन्हें वन लाइफ कैपिटल में? दीपाली, निकल जाना चाहिए, स्टॉक में कोई दम नहीं लग रहा है, स्टॉक मुझे एकदम लोअर लेवल्स पे दिख रहा है और भी नीचे के लेवल दिख सकते हैं। अगर करेक्शन आती है तो, अगर ये 28 के नीचे गया तो हो सकता है 25-22 के भी लेवल देखने को मिले, निकल जाएंगे तो बेटर रहेगा, स्टॉक में मुझे दम नहीं लग रहा है। ऑल राइट, अगला सवाल ले लेते हैं मुंबई से, सुदीप पूछ रहे हैं अशोक लेलैंड पर सवाल, 200 शेयर्स हैं इनके पास और 85 का इनका परचेजिंग प्राइस है, प्रॉफिट्स में है, अभी 107 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आगे जाते हुए भी स्ट्रॉन्ग स्ट्राइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल साक्षी, स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी। अशोक लेलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आने वाले समय में और भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। 110 का इसके अंदर रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो 120-125 के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे, स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। चलिए, आपको दी गई है अशोक लेलैंड।